बिसमिल्मर रिम असल वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर फ़ोर की एक्सरसाइज़ को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.8 से जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द कोटाइल डेवियशन एंड मीन डेविएशन एज वेल एज देयर कोफिशियंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है पहले हम लोगों ने कोटायल डेविएशन फाइंड आउट करना है उसके बाद मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और उसी के साथ हम लोगों ने इसके काफिशंट्स भी फाइंड आउट करने हैं हमारे पास यहाँ डाटा है हाइट्स का इंचज़ का उसके बाद नंबर ऑफ पर्सनस हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की हम लोग जो कोटाइल डेविएशन मीन डेविएशन और कॉफिशेंट्स फाइंड आउट करेंगे वो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अलग अलग सॉल्व करेंगे हमारे पास जो यहाँ डेटा है ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग है हम लोगों ने इसको क्लास बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है सबसे पहले जो हमारे पास हाइट्स हैं उसको हम लोग एक्स के लिए वैल्यूज लिख लेंगे उसके बाद हम लोग एक कॉलम बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज़ का उसके बाद हम लोग ग्रुप ए के जो भी हमें कॉलम्स चाहिए हम वहाँ वो एक कॉलम कर देंगे ग्रुप बी के हम लोग कॉलम्स कर देंगे जिसमें हमारे पास कॉलम्स चाहिए होंगे ये हमारे पास मेंशन है ग्रुप ए और ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसीज यानी कि एफ का कॉलम तो हम लोग एफ़ एफ़ के कॉलम्स दोनों के अलग कर लेंगे और कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ भी दोनों का सेपरेट कर देंगे क्योंकि हमें कोटायल डेविएशन क्यू थ्री क्यू वन और मी, मीडियन के लिए हमें कोफिशन कम्यूलेटिव कौ, फ्रिक्वेंसी चाहिए होगा तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स बनते हैं ये हम लोगों ने इसके सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एट के सोल्यूशन के लिए इस तरीके से आप लोगों ने कॉलम्स बना लेने हैं सबसे पहले आप लोगों ने हाइट्स का कॉलम जो आपके पास मेंशन है आपने उसको लिख लेना है एक्स के अंदर क्योंकि हाइट्स हमारे पास एक्स हैं उसके बाद आप लोगों ने कॉलम बना लेना है क्लास बाउंड्रीज का सी डॉट बी का उसके बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपने इस तरह से डिवाइड कर देना है जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम मैंने खुद से लिख लिया और कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी सम ऑफ एफ के इक्वल है इसका मतलब दोनों कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी ठीक सॉल्व हुई है अब हमारे पास स्टेप नंबर वन है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कोटाइल डेविएशन हमने यहाँ पर कोटाइल डेविएशन का फार्मूला लिख लिया और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रुप ए के लिए तो कोटाइल डेविएशन के फार्मूले के लिए हमें चाहिए लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल और ये है लोअर कोटाइल का फार्मूला हमें चाहिए वैल्यू ऑफ़ एन बाई फोर डी एच टर्म एन की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ग्रुप ए की जो कि है वन एटी सेवन वन एटी सेवन को हम लोग डिवाइड करेंगे फोर के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.75 एट पॉइंट फाइव एच टर्म हमारे पास क्यू वन की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव एच टर्म अब हम लोगों ने कम्यूटिटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में ये देखना है कि हमारे पास क्यू वन की कौन सी क्लास बनती है अब ये हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम है ग्रुप ए के लिए अब हम लोगों ने ये देखना है कि फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव हमारे पास कहाँ लाया करता है तो जो पहली दो कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज़ हैं वो हैं फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फ़ाइव से छोटी इसका मतलब है कि थर्ड क्लास हमारे पास बनेगी क्यू वन की क्लास इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव एच की वैल्यू है हमारे पास यहाँ वन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास थर्टी एन बाय फोर की वैल्यू है फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव और सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ ट्वेंटी एट इस क्लास से प्रीवियस वैल्यू जो कम्यूनिटिव की होगी वो है ट्वेंटी एट हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेते हैं क्यू वन के फार्मूले के अंदर देखते हैं हमारे पास क्यू वन का क्या आंसर आता है अब ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज को क्यू वन के फार्मूले के अंदर पुट कर दिया हमारे पास यहाँ क्यू वन का आंसर आया सिक्सटी पॉइंट वन वन एट अब नेक्स्ट हम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्यू थ्री क्यू थ्री के लिए यहाँ पर हमने लिखा क्यू थ्री यानी कि अपर को का फार्मूला और थ्री एन बाई फोर टी एच टर्म वैल्यू पुट की एन की जगह हम लोगों ने पुट किया समिशन एफ़ की वैल्यू जो कि वन एटी सेवन मल्टीप्लाई किया थ्री के साथ डिवाइड किया फोर के साथ हमारे पास क्यू थ्री वैल्यू ऑफ़ वन फोटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव टी एच टर्म आगे अब हम लोग कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में ये देखते हैं कि हमारे पास क्यू थ्री की कौन सी क्लास बनती है अब हमारे पास ये कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम है हमारे पास जो फर्स्ट फाइव वैल्यूज़ हैं वो हैं वन फोर्टी पॉइंट ट्वेंटी फाइव से छोटी तो हम हमारे पास जो वन सिक्सटी थ्री की वैल्यू है इस क्लास में हमारे पास क्यू थ्री की वैल्यू लाई कर रही है तो इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और इसको कह देंगे कि ये क्यू थ्री की हमारे पास क्लास है और इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास एल की वैल्यू है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव एच है हमारे पास वन एफ है हमारे पास ट्वेंटी एट थ्री एन बाई फोर की वैल्यू है वन फोर्टी पॉइंट ट्वेंटी फाइव और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन फाइव अब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्यू थ्री के फार्मूले में और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं अब ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया क्यू थ्री के फार्मूले के अंदर और हमारे पास क्यू थ्री का आंसर आ गया सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स एट सेवन फोर अब हम लोगों ने फर्स्ट फाइंड आउट करना था कोटाइल डेविएशन यानी कि क्यू डॉट डी हम लोगों का हमारे पास फार्मूला था कोटाइल डेविएशन का क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू हमने यहाँ पर पुट की क्यू थ्री की वैल्यू और यहाँ पर पुट की क्यू वन की वैल्यू जो कि सिक्सटी पॉइंट वन वन एट और डिवाइड किया इसको टू के साथ सबसे पहले हम लोगों ने सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स एट सेवन फोर को सब किया हमारे पास आंसर आ गया टू पॉइंट फाइव सिक्स नाइन फोर डिवाइड किया टू के साथ हमारे पास रिजल्ट आ गया कोटाइल डेविएशन का आंसर वन पॉइंट टू एट फोर सेवन नेक्स्ट अब हम लोगों ने ग्रुप ए के लिए ही फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीडियन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोटाइल डेविएशन Q3 और Q1 के अकॉर्डिंग तो जो हम लोग मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग मीडियन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे ये है हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला समीशन एफ मोड एक्स माइनस मीडियन मॉड्यूल डिवाइडेड बाय समीशन एफ और समीशन एफ़ की हमने वैल्यू पुट कर दी वो है वन एटी सेवन अब हम लोगों को चाहिए सी ए वाली वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मीडियन ताकि हम लोग मीडियन निकालने के बाद एक्स माइनस मीडियन की वैल्यू को सब्ट्रैक कर सकें और उसी का मोड ले सकें और एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन का यहाँ आंसर आ जाए सबसे पहले अब हम लोग मीडियम यानी कि Q2 का यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं वो है L प्लस एच बाई एन बाई टू माइनस सी हम n बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ n बाई टू टी एच टर्म हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर Q2 कहाँ लाया करते हैं अब ये हम लोगों ने n बाई टू वन एटी सेवन डिवाइड बाई टू की हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास यहाँ Q2 का आंसर आ गया वैल्यू ऑफ नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन अब हम कम्यूलेटिव फ्रिकुनसी के कॉलम में ये देखते हैं कि हमारे पास Q2 की कौन सी क्लास बनती है अब ये हमारे पास ग्रुप ए का कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज हैं हमारे पास जो वैल्यू हमें चाहिए वो है 93.5 जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं वो है 93 से छोटी तो इसका मतलब है कि हमारे पास Q2 की क्लास आएगी ये वाली और इस क्लास के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको कह देंगे कि ये Q2 है और L की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 60.5 पॉइंट फाइव एच आ जाएगा हमारे पास वन एफ आ जाएगा फोर्टी टू एन बाई टू की वैल्यू है नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव और सी की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी एट इस क्लास से प्रीवियस वैल्यू इन सब वैल्यूज़ को हम क्यू टू के फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्यू टू का एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है तो ये अब हम लोगों ने सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया क्यू ट्यूब के फार्मूले में और हमारे पास यहाँ आंसर आ गया सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फोर फाइव टू अब हम लोगों ने जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं उसको हम लोगों ने मीडियन में से सब्ट्रैक करना है हमारे पास यहाँ एक्स माइनस मीडियन की वैल्यूज़ आ जाएंगे एक कॉलम बन जाएगा उस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ़ के साथ तो हमारे पास से एफ़ एक्स माइनस मीडियन की यहाँ वैल्यू आ जाएगी हम लोग ये कॉलम सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोगों ने ये वाला जो कॉलम है हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं जो कि है फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को मीडियन की वैल्यू जो कि है सिक्स सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फोर फाइव टू उससे हम लोग सब ट्रैक करते जाएंगे हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा उस कॉलम इस कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस ग्रुप ए की ही फ्रिक्वेंसीज़ के साथ तो हमारे पास यहाँ एफ़ एक्स माइनस मीडियन का एक पूरा कॉलम बन जाएगा हम यहाँ इसका सम कर लेते हैं तो चलिए हम इस कॉलम को कम्प्लीट सॉल्व कर लेते हैं अब ये हम लोगों ने समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन का जो हमारे पास सम था हमने उसकी वैल्यू पुट किया और डिवाइड किया वन एट्टी सेवन तो हमारे पास मीन डेविएशन ग्रुप ए का आंसर आया है वन पॉइंट फोर फाइव वन एट जीरो ये हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ गया नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं कॉफिशेंट ऑफ कोटायल डेविएशन और कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन अब ये हम लोगों के पास कॉफिशियट ऑफ कोटायल डेविएशन का ये फार्मूला है हमने यहाँ पर कोफिशंट Q3 की वैल्यू पुट की और यहाँ पर Q1 की और यहाँ Q3 की और Q1 की यहाँ माइनस करना है और यहाँ हमने ऐड करना है माइनस करके हमारे पास 2.5694 आंसर है और ऐड करके हमारे पास 1.228054 आंसर है अब हम 2.5694 को डिवाइड करते हैं 1.228094 के साथ और देखते हैं हमारे पास कोटाइल डेविएशन कॉफिशेंट ऑफ कोटाइल डेविएशन ग्रुप ए का हमारे पास क्या आंसर आए नेक्स्ट अब हम लोगों के पास कॉफिशेंट ऑफ कोटाइल डेविएशन ग्रुप ए का आंसर आया है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो और नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन मीन डेविएशन के लिए हमने यहाँ इसका फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीडियन तो मीन डेविएशन का हमारे पास आंसर आया है वन पॉइंट फोर फाइव वन एट जीरो और मीडियन का हमारे पास आंसर है सिक्सटी वन पॉइंट थ्री फोर फाइव टू हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन ग्रुप ए का हमारे पास क्या आंसर आया अब हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन ग्रुप ए का आंसर है जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री डबल सिक्स ये हमारे पास ग्रुप ए के लिए कोटाइल डेविएशन मीन डेविएशन कोफिशेंट ऑफ कोटाइल डेविएशन और कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन यहीं तक कंप्लीट होता है नेक्स्ट अब हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे लेकिन ग्रुप बी के लिए ग्रुप बी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने फाइन करना है कोटाइल डेविएशन हम लोगों ने यहाँ पर डेविएशन का फार्मूला लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया Q1 का फार्मूला Q1 वन के वैल्यू ऑफ़ n बाई फोर की हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है 187 एटी सेवन डिवाइडेड बाई फोर करना है आपके पास वही आंसर आएगा जो ग्रुप ए के लिए था क्योंकि हमारे पास समिशन एफ दोनों के सेम थे 46.75 अब आप लोगों ने ग्रुप बी के कॉलम में देखना है कि हमारे पास Q1 की क्लास कौन सी होती है अब ये हम लोगों के पास ग्रुप बी का कॉलम है और एक्स की वैल्यू और क्लास बाउंड्री सेम रहेंगी बस एफ़ और सी एफ दोनों के चेंज आ जाएंगे इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं वो हैं ग्रुप बी की वैल्यूज और वो है फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव से लेस इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो क्लास आएगी सेम वही क्लास ये वाली क्लास हमारे पास होगी q1 की क्लास हम यहाँ लिख लेंगे q1 और इसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू आएगी फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव एच की वैल्यू आएगी वन एफ़ हमारे पास यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रुप ए का फ्रिक्वेंसी चेंज है और ग्रुप बी की चेंज हमारे पास यहाँ एफ़ आ जाएगा थर्टी टू एन बाई फोर की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर थर्टी फाइव हम इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्यू वन के फार्मूले के अंदर देखते हैं हमारे पास क्यू वन का क्या आंसर आता है जब हम लोगों ने Q1 के फार्मूले के अंदर सब वैल्यूज़ पुट किए हमारे पास Q1 का आंसर आया 59.687 अब हम लोगों ने सेकंड सॉल्व करना है Q3 ये हम लोगों ने Q3 का फार्मूला लिखा और थ्री एंड बाई फोर की वैल्यू डायरेक्ट हम लोगों ने लिख ली 140.25 क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की थ्री एन बाई फोर की वैल्यूज़ दोनों की सेम है अब हम लोग कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं कि हमारे पास क्यू की क्लास कौन सी होती है अब ये हम लोगों के पास ग्रुप बी का कम्यूनिटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है जो फाइव वैल्यूज है स्टार्टिंग की वो है वन फोर्टी पॉइंट सेवेंटी फाइव से छोटी तो हम लोगों के पास क्यू की वैल्यू जो आए वन से लेस तो जो क्यू थ्री लाई करेगा वो इस क्लास के बीच में लाई करेगा और यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि ये क्यू की क्लास है इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास एल की वैल्यू आएगी 62.5 टू एच आएगा हमारे पास 1 एफ आएगा हमारे पास ट्वेंटी थ्री एन बाई फोर की वैल्यू है वन फोर्टी पॉइंट ट्वेंटी फाइव और सी की वैल्यू आ जाएगी वन थर्टी फाइव अब इन सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं क्यू थ्री के फार्मूले के अंदर और देखते हैं कि हमारे पास क्यू थ्री का क्या आंसर आता है अब ये हम लोगों ने सब वैल्यूज को क्यू थ्री के फार्मूले के अंदर पुट कर दिया और हमारे पास यहाँ क्यू थ्री का आंसर आया सिक्सटी टू पॉइंट सेवन सेवन थ्री नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना था कोटाइल डेविएशन हम लोगों को ने कोटाइल डेविएशन का फार्मूला लिखा क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर पुट किया Q3 का फार्मूला Q3 की वैल्यू यहाँ पर पुट किया Q1 की वैल्यू डिवाइड किया टू के साथ हमारे पास टोटल डेविएशन का आंसर आ गया वन पॉइंट फोर थ्री फोर सिक्स नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है मीन डेविएशन मीन डेविएशन मीडियम से ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लिया मीन डेविएशन का फार्मूला डिवाइड करना मिशन एफ़ के साथ हमारे पास यहाँ से मिशन एफ़ की वैल्यू है वन एटी सेवन हम लोगों ने यहाँ पर मीन डेविएशन का यहाँ मीन डेविएशन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने Q2 का यहाँ फार्मूला लिख लिया क्योंकि हम लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करना है यहाँ पर हमने मीडियन का फार्मूला लिख लिया n बाई टू वन एटी सेवन को जब हम लोग टू के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव अब हम लोगों ने कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में यह देखना है कि हमारे पास यहाँ पर क्यू टू की कौन सी क्लास लाई करती है 93.5 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ग्रुप बी की कम्यूनिटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ हैं वो है 93.5 से छोटी तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रुप बी क्यू टू के लिए जो क्लास लाई करेगी वो होगी ये वाले और यहाँ पर हम लोग कह देंगे ये क्यू टू है इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास वन एफ आ जाएगा थर्टी एन बाई टू आ जाएगा नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव और सी की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी सेवन इन सब वैल्यूज़ को हम क्यू टू के फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्यू टू का क्या आंसर आता है ये अब हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया फार्मूले के अंदर हमारे पास यहाँ क्यू टू का आंसर आया सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव सेवन वन अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की सारी वैल्यूज़ को इस मीडियन की इस वैल्यू के साथ माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एफ़ के साथ हमारे पास मोड ऑफ़ एक्स माइनस मीडियन मोड का हमारे पास आंसर आ जाएगा हम लोग उस आंसर को पुट कर देंगे मीन डेविएशन के फार्मूले के अंदर तो चले हम कॉलम की उस वैल्यूज को कम्प्लीट कर लेते हैं अब हम लोगों ने Q2 यानी कि मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यूज थी यानी कि हमारे पास जो हाइट्स की वैल्यूज थी हमने उसको 61.25 यानी कि मीडियन की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया ग्रुप बी की इन फ्रिक्वेंसीज के साथ तो हमारे पास ये कॉलम आ गया इस कॉलम का हमने सम किया हमारे पास सम आ गया 298.3707 अब इस सम को हम लोग पुट कर देंगे मीन डेविएशन के अंदर ये है हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला ग्रुप बी के अकॉर्डिंग जिसमें हमारे पास समिशन एफ मोड एक्स माइनस मीडियन मोड बाय समिशन एफ़ ये हमने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी और समिशन एफ़ की आंसर था 187 डिवाइड किया हमारे पास मीन डेविएशन ग्रुप बी के अकॉर्डिंग आंसर है वन पॉइंट फाइव नाइन फाइव जो कि इक्वल है इसको राउंड ऑफ कर दिया वन पॉइंट सिक्स ज़ीरो नेक्स्ट अब हम लोगों ने ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही कोटाइल डेविएशन और मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कॉफिशेंट ऑफ कोटाइल डेविएशन और कॉफिशेंट ऑफ मीन डेवियशन चले हम लोग उसका फार्मूला लिख के उसको सॉल्व कर लेते हैं ये है हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ कोटायल डेविएशन ग्रुप बी के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला यहाँ पर हमने क्यू थ्री की वैल्यू पुट की और यहाँ पर क्यू वन की यहाँ पर भी क्यू थ्री की वैल्यू पुट की और यहाँ पर यहाँ पर क्यू वन की वैल्यू पुट की यहाँ पर से सब्ट और यहाँ पर इन वैल्यू को ऐड किया हमारे पास ये यहाँ से डिवाइड किया हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ कोटायल डेविएशन ग्रुप बी का आंसर आ गया है जीरो पॉइंट जीरो टू डबल थ्री नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन ग्रुप बी के अकॉर्डिंग तो ये उसका फार्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन मीन डेविएशन का हमारे पास वो आंसर आएगा जो हम लोगों ने 1.60 ग्रुप बी के अकॉर्डिंग फाइंड किया है वो हम यहाँ लिख लेंगे और मीन का आंसर है जो हम लोगों ने यहाँ पर से Q2 का फाइंड आउट किया जो कि 61.2571 जब हम लोग 1.60 को डिवाइड करेंगे मीडियन के आंसर के साथ तो हमारे पास ऑप्शन ऑफ मीन डेविएशन ग्रुप बी का आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.8 कंप्लीट होता है नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9 नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन के पार्ट ए की स्टेटमेंट है डिफाइन वेरियंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन करना है वेरियंट और स्टैंडर्ड डेविएशन को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन दोनों की डेफिनेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर हंड्रेड से लेकर वन जीरो टू के पेज पर तो चले हम लोग वो देख लेते हैं ये है पेज नंबर हंड्रेड के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाली ब्रैकेट से लेकर पेज नंबर वन ज़ीरो टू के ऊपर ये प्रॉपर्टी यहाँ तक एंड करेगी अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा मार्क्स की आएंगी तो आप लोग यहाँ तक लिखेंगे और अगर आपके पास टू मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ आए जिसमें सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है तो आप सिर्फ ये फ़ाइव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे और जब आपको कहा जाए कि आपने ज़्यादा मार्क्स किए हैं तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को साथ साथ डिफ़ाइन भी करते जाएंगे और एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि ये कैसे कैसे सॉल्व होती है तो ये सारी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेगनेस एंड सैनिटाइजेशन अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन के पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है फोर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नंबर्स टेन एट सेवन नाइन फाइव ट्वेल्व एट सिक्स एट टू कैलकुलेट सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा हमारे पास ये पूरा डाटा है हम लोगों ने इसके अंदर पॉपुलेशन का ये डाटा है तो हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा का वो फार्मूला यूज़ करना है जो पॉपुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग हो ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हैं एक्स की अब सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले अपना ये सारी वैल्यूज़ को एक्स के कॉलम में लिख लेते हैं और पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग सिग्मा स्क्वायर का एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है क्वेश्चन नंबर के B के पार्ट में आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम बना लेना है इन सब वैल्यूज को एक्स के अंदर लिख लेना है और ये टोटल वैल्यूज हमारे पास हैं टेन सो मिशन एक्स का हम लोगों ने सम कर लिया वो है सेवनटी फाइव और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन डाटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास पासन एक्स की वैल्यू आ गई है सेवेंटी फाइव एन है हमारे पास टेन हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ समीशन एक्स केयर तो यहाँ पर हम अपना कॉलम बना लेते हैं एक्स स्यर का उन सब वैल्यूज का हम लोग जो एक्स के अंदर है इन सब का स्केयर ले लेंगे और स्केयर लेने के बाद इन सब वैल्यूज को टोटल कर लेंगे हमारे पास सेमिशन एक्सकेयर का आंसर आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने समीशन एक्स एक्स केयर एक्स की सारी वैल्यूज़ का स्केल ले लिया और यहाँ पर समिशन एक्स क्वेयर कर लिया हमारे पास आंसर आ गया सिक्स थर्टी वन सिक्स थर्टी वन को यहाँ पुट किया और डिवाइड किया टेन के साथ और यहाँ पर समिशन एक्स की वैल्यू लिखी और एन वही एज़ इट इज रहा सिक्स थर्टी वन को डिवाइड करेंगे टेन के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट वन और सेवन सेवनटी फाइव को डिवाइड करेंगे टेन के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव जब हम लोग सिक्सटी थ्री पॉइंट वन में से फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव को सब्ट्रैक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट एट फाइव यानी कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पहले सिग्मा स्क्वायर तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ गया है सिक्स पॉइंट एट फाइव और अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सिर्फ सिग्मा तो हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से अप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जब अंडर रूट हम लोग इस वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास सिर्फ सिग्मा का आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स वन सेवन टू फाइव और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन यहीं तक कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन का पार्ट ए जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है प्रूव डेट द वेरियंस मीन्स अनस्टेंज वेन आर कॉन्स्टेंट इज एडेड टू और इज सब्रेक्टेड फ्राम एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर हंड्रेड पे तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं पेज नंबर हंड्रेड के ऊपर जहाँ पर हमारे पास ये लिखा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर यहीं पर है इसका जो पॉइंट नंबर टू है द वेरियंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ़ द ऑरिजन डेट इज इफ इट रिमेन्स अनचेंज अ कॉन्सटेंट इज एडेड टू और सब्रैक्टेड फ्राम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स सिम्बोलिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ये हम लोग वन बाई एन समिशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्यर इज इक्वल टू सम वेरियंस ऑफ एक्स हैंस वेरियंस ऑफ एक्स इज़ इन वेरियर टू चेंज ऑफ द ऑरिजन पेज नंबर वन जीरो वन तक यहाँ तक आप लोगों ने इसका आंसर मार्क कर लेना है क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन के पार्ट ए का आंसर पेज नंबर हंड्रेड के प्रॉपर्टीज नंबर टू है पूरी जो प्रॉपर्टी नंबर टू है वो पूरी इसका आंसर है अब हम लोग इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं इसके पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है द स्कोर्स ऑप्टेन बाय फाइव स्टूडेंट ऑन अ सेट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स आर सेवनटी फिफ्टी सिक्सटी सेवनटी फिफ्टी दी स्कोर्स आर चेंज बाय नंबर एडिंग पॉइंट्स टू ऑल ऑल स्कोर्स पॉइंट नंबर इंक्रीजिंग स्कोर बाय विल चेंजेस हैव ऑन द मीन एंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ स्कोर्स हैं फाइव स्टूडेंट के जिन्होंने एग्जामिनेशन पेपर्स में सेवेंटी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी और फिफ्टी मार्क्स लिए उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कि अगर हम लोग उसी स्कोर के अंदर टेन को ऐड कर दें और पॉइंट नंबर टू में हमने ये देखना है कि अगर हम उसके अंदर टेन परसेंट ऐड कर दें फिर हम लोगों ने ये बताना है कि क्या चेंज आया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग इन सब वैल्यूज़ को एक्स के इन सब जो डाटा है हमारे पास इसको हम एक्स के अंदर लिख लेते हैं और सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ताकि हम लोग उसको पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू से कंपेयर कर सकें तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन के पार्ट बी में इस तरीके से आपने कॉलम बना लेना है फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ताकि हम उस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू से कंपेयर कर सकें तो सबसे पहले हम लोगों ने मीन का यहाँ फॉमूला लिख लिया और यहाँ समीशन एक्स का हम लोगों ने सम कर लिया सम है थ्री हंड्रेड और टोटल वैल्यूज़ है फाइव हम लोग थ्री हंड्रेड को डिवाइड करेंगे फाइव के साथ देखते हैं कि हमारे पास एक्स बार का क्या आंसर आता है ये हम लोगों के पास मीन का आंसर आ गया नेक्स्ट अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है हमारे पास सैम्पल डेटा तो अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वो है अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आप लोग इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मिशन एक्स बाय एन के होल स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोग इस फार्मूले में ये वाला अप्लाई करें या जो दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अप्लाई करें एक्स के अकॉर्डिंग क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों के अकॉर्डिंग फार्मूलाज दोनों सेम आएंगे हम लोग दोनों अप्लाई करके देख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट क्या आया सबसे पहले अगर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए यहाँ पर एक्स बार है एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम और उसके बाद चाहिए हमें एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम का ही स्केयर और यहाँ पर ले लेंगे इस कॉलम का स्केयर और अगर हम लोग ये वाला कॉलम अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉलम ताकि हम लोग इसका कॉलम सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं कि अगर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं और ये वाला तो दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं तो चलिए हम लोग इस कॉलम को कम्प्लीट कर लेते हैं हमारे पास सीनेट डिविजन के दो फार्मूलास थे सबसे पहले हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये कॉलम कम्प्लीट कर लिया और इसी का स्क्वायर ले लिया हमारे पास आंसर आ गया फोर हंड्रेड और इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने समीशन एक्सक्र का सम कर लिया वो है वन एट फोर जीरो सबसे पहले अब हम लोग इस फार्मूले में वैल्यूज डालते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फोर हंड्रेड की वैल्यू जो कि है ये और एन है हमारे पास फ़ाइव हम लोग फोर हंड्रेड को फाइव के साथ डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारे पास इस डेविएशन का क्या आंसर आता है और इस डेविएशन का क्या आंसर आता है सबसे पहले जब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर 400 को डिवाइड किया 5 के साथ हमारे पास आंसर आई 80 स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग अंडर रूट ले लेते ले हैं तो हमने इस वाले सम का इस वाले आंसर का अंडर रूट ले लिया हमारे पास आंसर आ गया एट पॉइंट नाइन डबल फोर टू सेवन और जब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो समेशन एक्स के जगह इसकी वैल्यू पुट की जो कि है वन एट फोर हंड्रेड इसको डिवाइड किया फाइव के साथ और समेशन एन सेमिशन एक्स बाई एन का होल स्केयर की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट की सिक्सटी और इसका हम लोग स्केर ले लेंगे वन एट फोर डबल जीरो को डिवाइड किया फाइव के साथ हमारे पास आंसर आ गया थ्री सिक्स एट जीरो और सिक्सटी का आप लोग स्केल लेंगे तो आंसर आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड उसके बाद थ्री सिक्स एट जीरो में से जब आप थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा एट्टी उसके बाद आप लोग अंडर रूट लेंगे एट्टी का तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा तो जो पहले वाले का आया तो इसका मतलब है कि आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करें या ये वाला फार्मूला अप्लाई करें आपके पास आंसर दोनों के सेम आएंगे नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पहला वाला पॉइंट जो कि है एडिंग टेन पॉइंट्स टू ऑल्ड स्कोर हम लोगों ने एक्स की सब वैल्यूज के साथ टेन को ऐड करना है तो इस इक्वेशन को हमने कह दिया वाई और अब हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सबसे पहला कॉलम बना देंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन इसका मतलब है कि ये हम लोग जो लेकर चलेंगे ये लेकर चलेंगे y की वैल्यूज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज थी x की यानी कि सेवेंटी सेवेंटी के अंदर हम लोग टेन ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एटी फिफ्टी के अंदर ये वही एक्स की वैल्यूज हैं जो हम लोगों के पास गिवन है फिफ्टी के अंदर जब हम लोग टेन ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी और सिक्सटी के अंदर जब हम लोग टेन ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सेवेंटी और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा अगेन एट्टी और यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटी अब हम लोग इसका सम कर लेंगे अब जब हमने यहाँ पर इसका सम कर लिया हमारे पास आंसर आ गया 350 350 हमारे पास आ गया अब हम लोगों ने फर्स्ट फाइंड आउट करना है हर पार्ट के अकॉर्डिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने यहाँ पर मीन का फार्मूला लिखा और यहाँ पर वैल्यू पुट की समीशन वाई की और डिवाइड किया फाइव के साथ हमारे पास वाई बार का आंसर आ गया सेवेंटी ये हमारे पास वाई बार का आंसर है अब हमारे पास इक्वेशन है वाई की y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन तो जब हम लोग y बार यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y बार की x बार प्लस टेन हम लोग यहाँ पर इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे y बार का हमारे पास आंसर आया है सेवेंटी और x बार इसी तरह रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा टेन टेन यहाँ पर ऐड हो रहा है यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इस तरीके से यहाँ पर सेवेंटी है और ये टेन जब यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और सेवेंटी में से जब हम लोग टेन को सप्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्सटी इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने फर्स्ट फाइंड आउट किया है एक्स बार सिक्सटी उसका आंसर इससे मैच कर गया इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे वाई के अकॉर्डिंग उसका हमारे पास यहाँ फार्मूला आ जाएगा समिशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अब हमारे पास वाई का वाई का वाई बार का आंसर है सेवेंटी हम लोग हर वाई की वैल्यू उसके साथ सेवेंटी को सब्ट्रैक कर लेंगे और यहाँ पर उसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ समिशन स्केयर करके जो आंसर आएगा उसका हम लोग सम कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा अब ये हम लोगों ने समीशन y माइनस वाई बार के स्क्र का सम कर लिया हमारे पास आंसर आ गया 400 हमने इस फार्मूले में पुट किया और डिवाइड किया फ़ाइव के साथ हमारे पास 80 आंसर आया और स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोगों ने अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास एट वही आंसर आया जो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ चुका है इसका मतलब है कि ये इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट नंबर टू सॉल्व करते हैं जिसमें हमने टेन परसेंट इंक्रीज करना है हम लोगों के पास पॉइंट नंबर टू है इंक्रीजिंग ऑल स्कोर बाय टेन परसेंट आपने इंक्रीज करना है सब स्कोर्स को टेन परसेंट के साथ सबसे पहले जब हमने किसी चीज़ को टेन परसेंट से कन्वर्ट खत्म करना हो तो हम हंड्रेड के अंदर क्योंकि हम लोग जो भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग हंड्रेड से फाइंड आउट करते हैं हंड्रेड होती है टोटल हमारे पास तो हम हंड्रेड के अंदर ही टेन को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे हंड्रेड के साथ क्योंकि परसेंटेज हम लोग इसी तरह से खत्म करते हैं नेक्स्ट जब हम लोग इसको यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा वन टेन बाई हंड्रेड और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट वन इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ y की इक्वेशन आ गई है वन पॉइंट वन एक्स हम लोग वन पॉइंट वन को x की सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इसी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे यहाँ पर हमारे पास कॉलम आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू वन पॉइंट वन एक्स उसके बाद जब हम लोग मीन फाइंड आउट करेंगे मीन के बाद जब हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा उसके बाद यहाँ पर ये यह वाला कॉलम आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसी कॉलम का स्केर ले लेंगे तो चलिए अब हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं सेवेंटी सिक्सटी फिफ्टी सेवेंटी फिफ्टी इन सब वैल्यूज़ को वन पॉइंट वन के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम कम्प्लीट कर लेते हैं और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं अब ये हम लोगों ने यहाँ पर सब वैल्यूज़ लिखी हैं और उसके बाद यहाँ सम कर लिया हमारे पास आंसर आ गया थ्री थर्टी और ये सारी वैल्यूज़ की और इसका आंसर है फोर एटी फोर उसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया मीन और थ्री थर्टी हम लोगों ने वैल्यू पुट की और डिवाइड किया फ़ाइव के साथ हमारे पास यहाँ वाई बार या का आंसर आ गया सिक्सटी सिक्स जब हमारे पास वाई की इक्वेशन है वन पॉइंट वन एक्स तो हमारे पास वाई बार की यहाँ इक्वेशन आ जाएगी वन पॉइंट वन एक्स बार अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो वाई की मीन का जो आंसर है हम लोगों ने इसको एक्स बार के साथ कंपेयर करना है यानी कि जो हम लोगों ने मीन सबसे पहले फाइंड आउट किया है उसके साथ जो जिसका आंसर है सिक्सटी तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर वाई बार का आंसर है सिक्सटी हम यहाँ लिखेंगे वन पॉइंट वन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स बार यहाँ पर वन पॉइंट वन एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से हम लोग लिखेंगे सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन जब आप लोग सिक्सटी सिक्स को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट वन के साथ तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा सिक्सटी और ये वही आंसर है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जिसमें हमारे पास मीन एक्स सिक्सटी आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन एट पॉइंट नाइन डबल फोर आ रहा है तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका हम लोग यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं अंडर रूट समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे फोर एटी फोर डिवाइडेड बाय फाइव जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ पॉइंट एट अंडर ले लेंगे यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया डेविएशन ऑफ वाई का अब हम लोगों के पास जो डेविएशन की प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ की प्रॉपर्टीज हैं हम लोग उस पर जाते हैं जो कि है पेज नंबर वन जीरो टू के ऊपर ये है पेज नंबर वन जीरो टू के ऊपर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर वन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो जीरो होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट होगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी कॉन्स्टेंट के साथ तो हम लोग उस वाली जो कॉन्सटेंट वाली टर्म है उसका हम लोग मोड ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो यहाँ पर हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री अब बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थ्री यूज़ करने का मकसद हमारा ये है कि हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने कंपेयर करना है वेरीफ़ाई करना है कि ये सेम है कि नहीं जिस तरह से यहाँ पर वाई बार हमारे पास सिक्सटी सिक्स आए और हम लोगों ने इसको जब इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास सिक्सटी आ गया इसी तरीके से जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ़ वाई लिखेंगे आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वाला मैथड ना सही लगे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह आपके पास वाई की हमारे पास इक्वेशन है वन पॉइंट वन एक्स उसी तरीके से हमारे पास सैनिटाविशन की इक्वेशन आ जाएगी वन पॉइंट वन सैनिटाइविएशन ऑफ एक्स इसको यहाँ पर इजी वर्डिंग में मैंने लिख लिया और बुक में यहाँ पर इस वर्डिंग में लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास ये चीज़ आ गई है वन पॉइंट वन है कॉन्स्टेंट और सैनिडाविएशन ऑफ़ एक्स ये चीज़ है और जहाँ पर वन पॉइंट वन अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो इस मॉडुलस में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर आप लिखें 1.1 पॉइंट वन और सैनिटावेशन ऑफ एक्स की वो वैल्यू जो कि पीछे से चलती आ रही है जो कि है वन एट पॉइंट नाइन डबल फोर जब आप एट पॉइंट नाइन डबल फोर को वन पॉइंट वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा जैसा कि मेरे पास यहाँ पर आया है नाइन पॉइंट एट थ्री एट फोर जो कि है यही वाला आंसर नाइन पॉइंट एट थ्री एट फोर इस तरीके से ये प्रूव हो, हो गया डेविएशन दे ऑफ वाई की और अगर आप लोगों को ये वाला मेथड ठीक लगे कि जिस तरह से यही इक्वेशन जैसे हम लोग ऊपर से यूज़ करते आ रहे हैं इक्वेशन आप लोग नीचे लिख लें उसके बाद आप लोग यहाँ सेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू वन पॉइंट वन ऑफ़ एक्स लिखें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की आप लोग वैल्यू पुट करें जो कि है नाइन पॉइंट एट थ्री एट और यहाँ पर आप लोग लिखें वन पॉइंट वन और अगर आप लोग ने ऑफ़ निकालना है तो यहाँ पर आप ये लिख दें और आप वन पॉइंट वन को वन नाइन पॉइंट एट थ्री नाइन पॉइंट एट थ्री एट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास आंसर डेविएशन ऑफ एक्स का आया अगर आप लोगों को ये वाला मेथड इजी लगे बुक के अकॉर्डिंग तो आप लोग ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप लोगों को ये वाला मेथड इजी लगे तो आप लोग ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं मर्जी आप लोगों की अपनी है आंसर दोनों के हम लोगों ने वेरीफाई करने हैं इसलिए हम लोग ये वाला स्टेप करते हैं नेक्स्ट अब लोग हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये बताना है कि इन दोनों के अंदर पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर चेंजेस क्या आए हैं तो चलिए अब हम लोग वो लिख लेते हैं अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो पार्ट वन और पार्ट टू सॉल्व कर दिया जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आप लोगों ने सॉल्व करने के बाद दोनों को वेरीफ़ाई करके बताना है एक कंक्लूड करके आंसर में तो प्रॉपर्टी नंबर वन यानी कि पॉइंट नंबर वन का हमारे पास ये कंक्लूजन है व्हेन टेन इज़ एडेड टू ऑल द स्कोर्स ये वही स्टेटमेंट है जैसा कि हमने अप्लाई किया जब आप उन सब स्कोर यानी कि एक्स सब वैल्यूज़ के साथ टेन को ऐड करेंगे द मीन इज़ इंक्रीजिंग मीन का आंसर आया था हमारे पास सेवेंटी जैसा कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ और बट सैनिटाइजेशन रिमेंस अनचेंज यानी कि सेम सनेटाइजेशन हमारे पास वही रहा और मीन हमारे पास इंक्रीज कर गया ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर वन है जो हम लोग पॉइंट नंबर वन है जो हम लोगों ने सॉल्व किया इसमें जो हमारे पास मीन का आंसर आया है वो है सेवेंटी और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर वही आया है एट पॉइंट नाइन डबल फोर जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया था इसका मतलब है कि इसमें हम लोगों ने यह बताया कि मीन इस पॉइंट के अंदर इंक्रीज हुआ है यानी कि सिक्सटी था तो हम लोगों का आंसर सेवेंटी आया इंक्रीज हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहा है तो यही बात हमने इस पॉइंट के अंदर लिखी है नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू है पॉइंट नंबर टू जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग है वन इंक्रीजिंग ऑल स्कोर बाई टेन परसेंट जब आप लोगों ने हर स्कोर के साथ टेन परसेंट को इंक्रीज़ किया बहुत मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन आर मल्टीप्लाई बाई वन वन पॉइंट टू दोनों मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया है वन पॉइंट टू जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया हम लोगों ने यहाँ पर 1.1 को मल्टीप्लाई करवाया x के साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया x जो वैल्यू है उसके साथ इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे बेस्ड कर रहा है इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई की वेयर ए बी इज कॉन्स्टेंट ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास कॉन्सटेंट एक्स के साथ है इसलिए ये एज इट इज रहेगा और ये बी एड हो रहा है इसलिए वो जीरो हो जाएगा जब कॉन्सटेंट हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो वो वहीं रहता है अगर हमारे पास एड या सब्जैक्ट हो रहा हो तो वो जीरो हो जाता है तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर बी को ज़ीरो कर दिया और हमारे पास एट दैट यही रिजल्ट आया जैसे कि वन पॉइंट वन की वैल्यू यहाँ पर आप लोग कर लें सपोज़ पॉइंट नंबर टू के अकॉर्डिंग वन पॉइंट वन थी और वही इक्वेशन थी जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी वाई इज़ इक्वल्स टू वन पॉइंट वन एक्स यानी कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स और अगर आप लोग इसी इक्वेशन के साथ y बार अप्लाई करें इसी फार्मूले में तो जहाँ जो x बार है वहाँ वहाँ x एक्स की जगह x बार अप्लाई कर दें और यही कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा तो पीछे बची ये वाली इक्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग दूसरा वाला जो मैंने आपको तरीका बताया है यही वाला आप लोग इसी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन का आंसर नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट इलेवन नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एलेवन का पार्ट बी जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फोर आर सेट ऑफ अनग्रुप्ड वैल्यूज द फॉलोइंग सम्स आर फाउंड एन इज इक्वल टू फिफ्टी समीशन एक्स इज इक्व टू फोर एटी समीशन एक्सक्ल टू वन फाइव सेवन थ्री फाइव फाइन द मीन एंडियशन हमारे पास ये अनग्रुप्ड डाटा की वैल्यूज हैं जिसमें हमारे पास एन फिफ्टीन है X की वैल्यू फोर एटी है X k की वैल्यू है 15735, हम लोगों ने फाइंड करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो चलिए हम इसके सोल्यूशन में यहाँ पर ये यह सब डाटा लिख लेते हैं और इसके साथ इनके फार्मूलाज लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एलेवन के पार्ट बी के सोलूशन में इस तरीके से आप लोगों ने डाटा लिख लेना है उसके बाद आप लोगों ने इस डाटा को पुट कर देना है जस्ट फार्मूलाज के अंदर ये है हमारे पास मीन का फार्मूला और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ आप लोगों ने अप्लाई करना है फोर एटी और इसको डिवाइड करना है फिफ्टीन के साथ आपके पास मीन यानी कि एक्स बार का आंसर आ जाएगा थर्टी टू उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि वन फाइव सेवन थ्री फाइव डिवाइड करना है आपने इसको फाइव के साथ और माइनस कर देना आपने थर्टी टू की वैल्यू समीशन एक्स बाय एन की वैल्यू है थर्टी टू आपने सिर्फ उसका जस्ट स्केर ले लेना है सॉल्व कर लेना आपके पास यहाँ पर डेविएशन का आंसर आ जाएगा ये आप लोगों ने इस तरीके से सारी वैल्यूज पुट कर देने वन फाइव सेवन थ्री फाइव को डिवाइड करना है फाइव के, के साथ आपके पास आंसर आ जाएगा वन जीरो फोर नाइन थर्टी टू का स्केयर ले लेना है आपके पास आंसर आ जाएगा वन

टू बी सेवेंटी फाइव एंड टू पॉइंट फाइव रिस्पेक्टिवलीजिनल फिगर्स इट वॉज ऑब्जर्व डेट वन ऑब्जरवेशन आर एक्चुअली करेक्ट मीन एंडियशन सबसे पहले हमारे पास यहाँ मीन यानी कि एक्स बार की वैल्यू है सेवनटी फाइव और स्टैंडर्डावियन की हमारे पास वैल्यू है टू पॉइंट फाइव हम लोगों के पास सेम्पल ऑबजर्वेशनि एन है हमारे पास यहाँ ट्वेंटी हम लोगों ने ये चेक किया कि ओरिजिनल फिगर्स के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इसको डिस्कवर किया तो सिक्सटी एट जो है एक्चुअल वैल्यू है और एट्टी सिक्स जो है हमारे पास उन्होंने कॉपी करके दोबारा से गलत लिख दिया है इसका मतलब हम लोगों के पास जो भी आंसर आएगा हम लोग सिक्सटी एट को ऐड करेंगे और एटी सिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ सके इस डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सही वाला मीन और सही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें तो चले हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं सोल्यूशन के लिए हम लोगों के पास जो गिवन डाटा है हम लोग वो मैंशन करके लिख लेते हैं और नीचे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है हम लोग उसका फार्मूला लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एलेवन के पार्ट सी के हमारे पास ये डाटा है गिवन डाटा है जो हमारे पास क्वेश्चन में मैंशन था हमने यहाँ वो लिख लिया हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये है हमारे पास करेक्ट मीन यानी कि एक्स बार का फार्मूला से मेशन एक्स बाय एन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है करेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फार्मूला है हम लोगों के पास यहाँ एक्स बार की वैल्यू मेंशन है वो है सेवेंटी फ़ाइव और हम लोगों ने यहाँ से समीशन एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और डिवाइड करना है इसको ट्वेंटी के साथ हम लोगों के पास यहाँ समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेवेंटी फ़ाइव को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी के साथ आपके पास समीशन एक्स का आंसर आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड ये आप लोगों के पास समीशन एक्स का आंसर आ गया नेक्स्ट जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है करेक्ट मीन तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीशन जिस तरह मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स बाय एन यही हम लोग फार्मूला लिखेंगे लेकिन जो हमारे पास एडिशनल जो हमारे पास डाटा है हम लोग इसके साथ वो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे करेक्ट मीन करेक्ट मीन के साथ समीशन एक्स की जो वैल्यू आई है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो है फिफ्टीन हंड्रेड हम यहाँ वो लिख लेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारे पास एडिशनल वैल्यू है सिक्सटी एट और 86 सिक्स हम लोग यहाँ वो लिख लेंगे हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी सिक्सटी एट हम यहाँ लिख लेंगे प्लस सिक्सटी एट सिक्सटी एट को हम लोग कर देंगे प्लस और एटी सिक्स जो कि कॉपीड होके है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से आपने लिखना और डिवाइड करना है एन के साथ जो कि है ट्वेंटी अब आप लोगों ने फिफ्टीन हंड्रेड में से एट्टी सिक्स को माइनस करना है और फिर सिक्सटी एट को ऐड करना है और देखना है आपके पास करेक्ट मीन का क्या आंसर आता है हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ गया फिफ्टीन हंड्रेड में से एट्टी सिक्स को सब्ट्रैक्ट करके और सिक्सटी एट को ऐड करके वन फोर एट टू हम लोगों ने यहाँ वो लिख लिया डिवाइड के ट्वेंटी के साथ हमारे पास करेक्ट मीन का आंसर आ गया सेवेंटी फोर पॉइंट वन नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन उसके लिए हम लोगों के पास ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हम मैंने वेरियंस का लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन फाइंड आउट करेंगे और सबसे पहले हम लोगों को चाहिए यहाँ से वैल्यू हम लोग इस फार्मूले के अंदर जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन की वैल्यूज़ है हम लोग वो पुट कर देंगे हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेवियशन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है टू पॉइंट फाइव जब हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर है हमारे पास सिगमा का स्क्वायर तो हम लोग यहाँ ले लेंगे टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर हमारे पास समेशन स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम यहाँ पर समेशन स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे ट्वेंटी है हमारे पास और यहाँ पर समिशन एक्स बाई एन की स्केयर की जो हमारे पास वैल्यू है हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे जो हमारे पास डाटा में गिवन है क्योंकि समिशन एक्स बाय एन आता है हमारे पास एक्स बार और उसका हम लोग स्केर ले लेंगे ये वाली वैल्यू जो है ये है हमारे पास करेक्ट मीन की और जहाँ जहाँ तक हम लोग ये अप्लाई करेंगे ये हम लोग इनकरेक्ट निकाल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को फाइंड आउट नहीं किया इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स बार की वो वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास डाटा में मेंशन है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेवेंटी फाइव का स्केयर टू पॉइंट फाइव का जब हम लोग स्केर ले लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव यहाँ आ जाएगा सिमिशन एक्स स्केयर बाई ट्वेंटी माइनस सेवेंटी फाइव का स्केयर अब हम लोग यहाँ सेवेंटी फाइव का स्केयर ले लेते हैं सेवेंटी फाइव को सिक्स पॉइंट टू फाइव के साथ हम लोग एड कर देंगे इज इक्वल की उधर चला जाएगा और ट्वेंटी को इस जो भी हमारे पास यहाँ आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास सेमिशन एक्स केयर का यहाँ आंसर आ जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सेमिशन एक्स का आंसर आया था और उसके बाद फिर हम लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा जिस तरह से हम लोग करेक्ट मीन निकाला है उसी तरीके से हम लोग करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसी तरह का फार्मूला है अंडर रूट सिर्फ अप्लाई होगा इस तरह के फार्मूले के अंदर हम लोग ये वैल्यूज़ फाइंड आउट डालें पुट करेंगे जो हम लोगों ने फ़ाइंड किए नेक्स्ट अब हम लोगों ने सेमशन एक्स केयर डिवाइड किया ट्वेंटी के साथ और यहाँ पर हम लोगों ने सिक्स पॉइंट टू फाइव को ऐड कर दिया सेवेंटी फाइव का जिसका आंसर है फाइव सिक्स टू फाइव हमारे पास आंसर आ गया फाइव सिक्स थ्री वन पॉइंट टू फाइव अब नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्वेंटी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास सेमिशन एक्स स्क्र का आंसर आ गया वन वन टू फाइव टू सिक्स टू फाइव जिस तरीके से हमने मीन के समीशन एक्स के साथ हम लोगों ने जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने वो उसी तरह से लिखी कि उसके साथ माइनस किया और ऐड किया जब हमारे पास यहाँ समिशन एक्स स्केयर की बात आ गई तो हम लोग यहाँ पर उन वैल्यूज़ का स्केर ले लेंगे लिखेंगे उसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा कि हम लोगों ने यहाँ पर मीन था तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने माइनस किया और ऐड किया यहाँ पर हमारे पास सेमिशन एक्स का ही समिशन एक्स का स्केयर है तो हम लोग इन सब वैल्यूज का स्केर ले लेंगे यहाँ पर एटी सिक्स जो हमारे पास कॉपेड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एडिशनल वैल्यू जो कि एक्चुअल वैल्यू है उसको ऐड करेंगे स्केयर के साथ हमारे पास ये आंसर है जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास करेक्ट सेमिशन एक्स आई का आंसर आ गया वन जीरो नाइन एट फाइव थ्री अब हम लोगों ने करेक्ट वाली चीज़ें यानी कि करेक्ट सेमिशन एक्स आई के स्क्र की वैल्यू और जो हम करेक्ट मीन निकाला है हम लोगों ने वो वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमने पुट की करेक्ट समेशन एक्स स्क् की वैल्यू ट्वेंटी के साथ डिवाइड किया और यहाँ पर करेक्ट मीन की वैल्यू पुट की जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे यहाँ से उसके बाद हम लोगों ने सेवेंटी फोर पॉइंट वन का स्केयर लिया हमारे पास आंसर आ गया फाइव फोर नाइन जीरो पॉइंट एट वन और यहाँ से इसको डिवाइड किया हमारे पास ये आंसर आ गया सब किया हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट वन पॉइंट एट फोर अंडर रूट ले लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट थ्री फाइव सिक्स फोर जो कि इक्वल है वन पॉइंट थ्री सिक्स के और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट इलेवन है वो यहीं तक कंप्लीट होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे आज की वीडियो के लिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़